बीवी होने तो मियाँ को कहीं का नहीं छोड़ रखा भाई। आदमी मर भी जाएगा ना, वही कबर के अंदर घुसी चली आएंगी। मनुष्य की बगल के कबर में जो रजिया आ पाया उनकी कबर में तो नहीं बैठा हुआ है। हम तो खामो खाई बहुत तरह रो का ख्वाब देख रहे मरने के बाद। जबकि ऐसा कुछ होना ही नहीं है कि हमारे ख्वाब है। ये वहाँ पहुँच गई तो ये हमें बहुत तरह क्या एक भी नहीं लेने देंगे। उनसे लड़ पड़ेंगे कि तूने मेरे मियाँ को देखा तो देखा कैसे। अब आदमी करे तो करेगा, जन्नत से आगे वो जा सकता है नहीं, पर दोजख में वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है वहाँ ख्वाब ही बनने उसके और कुछ नहीं। और अगर मियाँ दोजख के अंदर हुआ तो वहाँ भी परेशान करेगी उसे। तुम जल रहे हो तो ऐसे कैसे जल रहे हो? ठीक नहीं जल रहे हो। ये सारे कपड़े खुलवा देगी उस दुकान वाले से, फिर भी कहेगी भैया मेरी पसंद का है नहीं। वो दुकान वाला कहता बहन अपनी पसंद तो होता। वो उस दुकान वाले से कह रही होते हैं भैया मुझे मिट्टी कलर का सूट चाहिए था जो तुम्हारे पास है नहीं। नहीं अजीब कलर बताएंगे दुकान में जाकर, नहीं वो होता है नहीं, एक कलर मैंने देखा था उस दिन वो नाटक में उनने पहना था, कौन सा था वो कलर। बहुत देर सोचने के बाद फिर उस दुकानदार से कह रही होती है हाँ भैया याद आ गया याद आ गया, मुझे लकड़ी में नहीं होता, लकड़ी में वो दे दो मुझे लकड़ी कलर। तो दुकानदार कह रहा होता बहन ये जो लकड़ी कलर है ये मैंने पहली बार सुना। उस दुकानदार से कह रही होती क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? हमारे गाँव के अंदर सारे कलर मिलते हैं, जो कलर मांगने जाओ वह कलर मिलते हैं, एक तुम्हारी दुकान है जहाँ लकड़ी कलर नहीं है।